भोपाल के रास्ते मैं पहुंच रहा हूं पचमढ़ी के लिए, जो कि मध्य प्रदेश का प्यारा सा हिल स्टेशन है। और मौसम बहुत ही प्यारा है और मतलब ठंडा ठंडा सा एहसास हो रहा है। बरसात का टाइम पचमढ़ी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है और इसीलिए मैं अभी जा रहा हूं यहां पर। तो पहुंचते हैं पचमढ़ी और जानते हैं और भी क्या रूट्स हैं पचमढ़ी पहुँचने के। पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एक फेमस हिल स्टेशन है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले पिपरिया नाम की जगह तक पहुँचना होता है। पिपरिया भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है और पिपरिया में रेलवे स्टेशन भी है। पिपरिया पहुँचने के बाद आप बाय बस 100 से 150 रुपए देकर पचमढ़ी तक पहुँच सकते हैं। वहीं शेयरिंग कार से 300 से 400 रुपए प्रति व्यक्ति तक लग सकते हैं। पिपरिया से पचमढ़ी का जो रास्ता है वो आपको जरूर लुभाएगा और प्यार भी हो जाएगा। प्यार कब होगा वो आगे दिखाएंगे, पर लखपाल अगर आप इधर देखोगे तो नैरो सी रोड है और बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा व्यू है। बीच बीच में यहाँ पे जंगल भी आते हैं, फॉरेस्ट आते हैं और आपको मज़ा आएगा इस रास्ते पे। पिछली बार जब मैं आया था तो कोविड के टाइम में आया था और उस टाइम में यहाँ पर बसेस नहीं चल रही थी। फिलहाल बसेस चलने लगी हैं और पचमढ़ी के जो पिपरिया के जो रेलवे स्टेशन है उसके ठीक सामने से आपको बस भी मिल जाती है, तो आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं सस्ते में। हर घंटे पे मिल जाती है बट रात में नहीं मिलती है, तो दिन के टाइम में आप आएंगे तो इसलिए आपका काम हो जाएगा। फिलहाल अभी व्यूज़ को एंजॉय करेंगे थोड़ा और आगे बढ़कर। पिपरिया से पचमढ़ी की दूरी लगभग 54 किलोमीटर है और यहाँ तक पहुँचने में आपको 2 घंटे तक लग सकते हैं, जिसके शुरुआती रास्ते तो सीधे साधे हैं लेकिन लास्ट के कुछ किलोमीटर्स घुमावदार हैं। पचमढ़ी में पहुंच गए हैं और होटल पे आ गए हैं। ये रहा एमपीटी होटल है और अंदर अभी रूम वूम तो देखेंगे ही। लगभग पिपरिया से यहाँ तक आने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है पर फिर भी इतना टाइम लग जाता है। पचमढ़ी घूमने के लिए आपको चाहिए होती है परमिशन। विदाउट परमिशन आप यहाँ पर कुछ प्लेसेस हैं जो नहीं घूम सकते हैं। धूपगढ़ का एक रूट जाता है, बी फॉल्स यहाँ की फेमस प्लेस है, और भी कुछ प्लेसेस हैं जिनके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी। ये पूरा ये बना हुआ है, एक पंपलेट है जिसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दे दूंगा, दिखा दूंगा, जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा कौन कौन सा रूट है और हर रूट के चार्जेस भी अलग अलग हैं। फिलहाल मैं धूपगढ़ वाला रूट कवर करने वाला हूँ, जिसके लिए आपको पहले यहाँ पर एक काउंटर है, यहाँ पर जाके आपको जिप्सी बुक करनी होगी और फिर उसके बाद यहाँ से एक परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको आधार कार्ड वगैरह अपना साथ में कैरी करना होगा। और सुबह यहाँ पे भीड़ होती है, जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना बेटर है, क्योंकि हम लोग अभी पहुँचे ही हैं यहाँ पर, तो लगभग 2:30 बज रहे हैं, पर फिर भी धूपगढ़ और बी फॉल्स और रीचगढ़ ये तीनों कवर करने के चांसेस हैं। तो लेट्स सी क्या क्या कवर कर पाते हैं। प्राइस आपको बता देता हूँ, जो ये रूट है कवर कर रहा हूँ, रूट नंबर 3 है इसका नाम और इसमें लिखा हुआ है, ये पूरी डिटेल मैं आपको दे दूँगा। और इसके जिप्सी के चार्ज लग रहे हैं 2,000 रुपये पर जिप्सी। सो चलते हैं और यहाँ पर गाइड का भी आपका चार्ज लगेगा, ये पूरा चार्ज यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये मिल गया है हमें परमिशन और इसमें पूरे चार्ज मेंशन है। ये फिलहाल एक रूट के लिए है, यहाँ पर है और गाइड कंपलसरी होता है, गाइड आपको लेना ही पड़ेगा। ये पूरे चार्जेस आप देख लो। रूट का मैम सबका अलग अलग है या नो, नो, एक ही रूट का, मतलब सभी रूट का एक ही चार्ज है। Okay. कोई भी रूट ले आप वही। अच्छा, 2,000 रुपए जिप्सी का लगता है। हाँ, और 1,210 रुपए फॉरेस्ट का। 1,210 फॉरेस्ट का चार्ज है। थैंक यू। अपनी जिप्सी तैयार है चलने के लिए, बैठते हैं। यहाँ का मजा ही कुछ और है और अभी आएगा आगे और मजा। एक भी जिप्सी में 6 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं, ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, और कम बैठेंगे तब भी आपका चार्ज तो उतना ही लगेगा। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के सतपुरा रिजर्व के अंतर्गत आता है और इसकी खूबसूरती की वजह से ही इसे सतपुरा की रानी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं रिजर्व के अंडर में आने की वजह से ही यहां पर कुछ प्लेसेस घूमने के लिए आपको परमिट की भी जरूरत होती है, जो मिलती है यहां के बाइसन लॉज से। बाइसन लॉज से धूपगढ़ की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है, लेकिन इसके पहले हम जाने वाले थे बी फॉल्स के लिए।
एग्जैक्टली 3:30 बजे पहुंच गए हैं यहाँ पर पार्किंग एरिया में। इसके बाद पैदल ही चलना पड़ता है बी फॉल में, और परमिट आपके पास है तो आप तो परमिट पहले ही चेक हो जाती है आपकी, अदरवाइज़ आप यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे। और ये पार्किंग एरिया पूरा है, और यहाँ से इसके बाद स्टेयर्स हैं, तो स्टेयर्स को जस्ट फॉलो करें और गाइड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और उसके साथ चल पड़े नीचे की तरफ। लगभग 2 मिनट की आप वॉक करते हैं नीचे की तरफ स्टेयर्स के थ्रू, तो आप पहुँचते हैं इस पॉइंट पर जहाँ पे आपको छोटू सा वाटरफॉल दिखेगा। हालांकि ये बी वाटरफॉल नहीं है, लेकिन यही जाता है नीचे की तरफ। भाई कितना प्यारा है पीछे जो आप लोग झरना देख कर रहा है, ये छोटा झरना है। यहाँ पे ये पानी गिर के 150 फीट की हाइट से झरना गिरता है। उस 150 फीट की हाइट के झरने के नीचे अगर आप लोग स्नान करते हैं, पानी का प्रेशर जब बॉडी पे पड़ता है तो ऐसा फील होता है कि जैसे बहुत तेज बी वाइट कर रहा हो, मधुमक्खी काट रहा हो। इसलिए इस झरने को मीनिंग दिया हुआ है BEE फॉल, ये नाम अंग्रेजों ने रखा है। लगभग 400 मीटर की ये सीढ़ियाँ हैं नीचे की तरफ, और इसको तो जाना ही पड़ेगा आपको चल के। जैसा कि आज से 3 साल पहले सीन था, वैसा ही कुछ आज भी है। वाटरफॉल उसी गति से उसी फ्लो में आज भी बह रहा है। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेम वेदर में मैं पिछली बार भी आया था, और क्या ही कहना, फुहारे आपके ऊपर पड़ेंगी, इसकी छींटे पड़ेंगे और बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ पर खूब सारी यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं, मेमोरीज बनाएं और बढ़िया सी अपनी ट्रिप को एंजॉय करके फिर यहाँ से निकले आप। ये रहा बी फॉल, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। बी फॉल्स जाने का बेस्ट टाइम सुबह का ही है, क्योंकि इसके आसपास अप्सरा और सिल्वर वाटरफॉल्स भी हैं, और इन सभी वाटरफॉल्स को कवर करना चाहते हैं तो आपके पास 2 से 3 घंटे होने चाहिए। बी फॉल्स के बाद मैं रीचगढ़ जाने वाला था, और क्योंकि रीचगढ़ जाने के मेन पॉइंट तक पहुंचने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ता है और समय कम था, इस वजह से मैं आगे बढ़ गया धूपगढ़ के लिए। आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पर 2-व्हीलर से आ जाएं या फिर 4-व्हीलर अपनी ले आएं, तो ये अलाउ नहीं है, आप नहीं ला सकते हैं। आपको यहीं से जिप्सी करनी पड़ेगी और इसी के थ्रू आप आ सकते हैं। फिलहाल अगर आप व्यू देखेंगे तो दूर दूर तक व्यू दिख रहा है, और इधर जो सबसे ऊंचा आपको हाइट पे दिख रहा है लगभग 4400 फुट की ऊंचाई पर है धूपगढ़, और ये सच में एडवेंचरस है। आपको ये नागदारी पिलग्रिम ट्रैक भी दिख रहा होगा, और यहाँ से ट्रैक भी होती है। मैम ये ट्रैक कितने किलोमीटर की होती है? नागपति मंदिर है हमारे यहाँ पे, अभी एक मेला लगता है अगस्त के टाइम पे नाग पंचमी का, जिसमें नागदर की जो यात्रा होती है वो जस्ट इसी के बाजू से जाते हैं। अच्छा। यहाँ से 12 किलोमीटर वन साइड ट्रैक होता है, इसमें बहुत सारे द्वार पड़ते हैं। यदि आपको सारे द्वार कंप्लीट करना हो तो वहाँ पे वन नाइट स्टे करके आना पड़ता है। पहले वहाँ पे एक छोटा सा काजरी गाँव था, बट 2007 के बाद से उस पब्लिक को हटा दिया है, तो अब जो पब्लिक आती है यात्रा के लिए पूरी शासन व्यवस्था कराती है उनके रखने की। साल में सिर्फ ये 12 दिन के लिए ओपन होता है, बाकी पूरे टाइम बंद रहता है, और जिस टाइम पे यात्रा होती है धूपगढ़ पॉइंट को बंद कर दिया जाता है 12 दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आता है, कम से कम लाखों से पब्लिक आता है, तो ओवरक्राउड होने की वजह से धूपगढ़ को बंद कर दिया जाता है, तो ओनली सिर्फ यात्रा चालू होती है। इसके लिए परमिशन भी चाहिए होती है? नो, सर, इसमें कोई परमिशन नहीं होती है, यात्रा में सभी लोग आ सकते हैं, बाकी जो 95% जो गेस्ट है वो पूरा महाराष्ट्र का आता है सर। और चार्जेस इसके क्या लगते हैं? नो सर, चार्जेस नहीं होता है, फ्री होता है ये। हाँ सर, यात्रा होता है, मेला लगता है, तो नो चार्जेस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ से पूरा वैली आपको दिख रहा है। पिछली बार यहाँ पे स्कूटी लगा दी थी मैंने और बहुत प्यारा व्यू दिखता है। पिछली बार तो काफ़ी कुछ कर लिया था, रुक के ये वो, लेकिन अब थोड़ा खतरा बढ़ गया है। तब भी खतरा था पर तब परमिशन थी, अब नहीं है। हाँ, पर असली मज़ा पचमढ़ी का यही है। धूपगढ़ में पहुँच कर आपको गाइड यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं, और वहीं जब आप यहाँ की पिक्चर गैलरी में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि पचमढ़ी और सतपुरा के इस पूरे एरिया में कितना कुछ है देखने के लिए।
प्रदेश प्लेस में बनाए हुए हैं। इसे बोला जाता है धूपगढ़। धूपगढ़ नाम इसलिए रखा गया है, यहाँ सुबह मॉर्निंग में सनराइज होता है, इवनिंग में सनसेट होता है। सूर्य का पहला और लास्ट किरण जो होता है इस जगह पे पड़ता है। बोले तो ऊपर जब तक ऊपर सूरज है इस जगह पे धूप रहती है, इसलिए इसका जो नाम है धूपगढ़ रखा गया है। ओके, मात्र पचमढ़ी से 10 किलोमीटर की दूरी तय करके फाइनली धूपगढ़ में पहुँच गए हैं। और धूपगढ़ ये है, धूप की किरणें यहाँ पे दिख रही होंगी। और ये पूरा बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे बैठ के आप आराम से व्यू देख सकते हैं सनसेट का। बहुत प्यारा व्यू है, बहुत मज़ा आएगा, बहुत शानदार है यहाँ पे। मतलब क्या ही शब्द बोलूँ, मतलब बादलों के बीच से धूप फट के निकल रही है, धूप की किरणें, और प्यारा लग रहा है। और मौसम बहुत प्यारा हो गया है यहाँ पर। खूब सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं, पिछली बार जो थंबनेल मेरी वीडियो का था वो वहाँ का था। क्या ही है, शानदार। और ये छत्तीसगढ़ और एमपी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी आपको एक फैक्ट बता दूं मैं आपको। पचमढ़ी को कुछ लोग पंचमढ़ी भी कहते हैं, जिसमें पच या पंच का मतलब पांच से है और मढ़ी का अर्थ गुफा से है। कहा जाता है कि ये पांच गुफाएं पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ बनाई थी, जो यहाँ एक ऊंचे पर्वत की शिखर पर मौजूद है। आजादी के बाद 1967 तक पचमढ़ी मध्य प्रदेश की समर कैपिटल भी हुआ करती थी। इसका कितना किराया लगता है भोपाल का? भोपाल कितनी सवारी? अकेले ही अगर जाना एक 250 रुपए। तुम्हारे 250 रुपए? नहीं, मेरे लिए मत बताओ, मेरे व्यूवर्स के लिए आप बताओ। एग्जैक्टली सबके लिए अपन कंसेशन करके ले। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइमिंग क्या क्या रहती है, किस किस टाइम चलती है? यहाँ से निकलते हैं अपन 1:40 पे। अच्छा अच्छा। और ये भोपाल में कहाँ पे? वो नादरा बस स्टैंड, ISBT नादरा, ISBT पे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर अपने होटल का रूम है। होटल तो मतलब ये लगता नहीं है, क्योंकि इसके आसपास ही आप देखो पूरे एकदम वाइब्स आपको रिजॉर्ट वाली आएगी। और यहाँ पचमढ़ी का तो मौसम होता ही है लाजवाब, तो थोड़ी झलक आपको मिलने लगी होगी अंदर की। जो आपको थोड़ा दूर से दिखाते हैं, ये पूरा कॉटेज टाइप में है, यहाँ पे अलग अलग बने हुए हैं और पूरा फॉग हो रहा है। अंदर की तरफ चलते हैं, क्या है अंदर। तो अंदर जैसे ही आप आते हो तो आपको यहाँ पर तो मिरर वगैरह दिख जाएगा। और ये आपको देखो, ये पूरा रूम है, रूम के साथ सौरभ कॉम्प्लीमेंट्री है। और इधर अगर आप आओगे तो ये वॉशरूम भी देखो आपको, तो बिल्कुल नया नया सा फील ही होगा, नया ही है यहाँ पे बना हुआ ऐसा दिखेगा। और बहुत मतलब प्यारा लगेगा यहाँ पे रहना, यहाँ का स्टे आपको मतलब वाइब्स दे देगा मज़ेदार वाली, और बिल्कुल ट्रैवल वाली जो वाइब्स होती है वो मिल जाती है। अच्छा, इसके साथ अब क्या यहाँ के चार्जेस है वो जान लेते हैं। और कौन सी जगह है ये? ये है ग्लेन व्यू होटल है, और ये मतलब जो कैंटोनमेंट एरिया है उसके बिल्कुल पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। बायसन लॉज वगैरह यहाँ से मात्र 0.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो मार्केट है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सारी चीज़ें आस पास हैं, बहुत अच्छी लोकेशन है, गार्डन वार्डन भी है, पूल भी है, बहुत शानदार है। प्राइस यहाँ की थोड़ी सी महंगी लगेगी, और पूरे पचमढ़ी में आप अगर एक नॉर्मल होटल लेते हैं तो आपको जनरली 1500 से 2000 रुपए तक पड़ सकता है। यहाँ पे कॉस्टली है तो है, और अगर आप नागपंचमी वगैरह के टाइम में आते हैं, सीजन में आते हैं, तो ज़्यादा भी पड़ सकता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप स्टे करते हैं तो आपको लगभग 5000 से 6000 रुपए देने पड़ सकते हैं, जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर वगैरह भी इंक्लूड होता है। बाकी ऑफ सीजन वगैरह में आएंगे तो कम में भी मिल जाएगा, तो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। कम कैटेगरी वाले मतलब इससे लो कैटेगरी वाले भी मिल जाते हैं, होटल वगैरह रूम वगैरह, तो सारी अवेलेबिलिटी तो है यहाँ पर। हाँ, पर आपको थोड़ी कॉस्टली ज़रूर पड़ेगी यहाँ पर रहना, स्टे यहाँ का महंगा है, पर स्टे का भी अपना मज़ा है। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे स्टे पर तो आपको मज़ा भी आएगा, बाकी सस्ते ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी है। आज हम जाने वाले थे बड़ा महादेव टेम्पल के लिए, और पचमढ़ी की मेन मार्केट से बड़ा महादेव टेम्पल की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। और इस रास्ते में आप कुछ व्यू पॉइंट्स जैसे हांडी खो, इको पॉइंट और प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट पर रुकते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इस रूट पे आप अपनी खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो आज जा रहा हूँ मैं बड़ा महादेव के लिए,
और जो कि एक केव भी है और मंदिर भी है, और जो मेन सिटी है, जो मेन मार्केट है, वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी शानदार सा मौसम है और ये नेचुरल ब्यूटी के बीच चल रहे हैं हम। मज़ा आ रहा है बिल्कुल, बहुत प्यारी हवा लग रही है। बड़ा महादेव की पार्किंग में आ गए हैं। यहाँ पर पचमढ़ी में ऐसा नहीं कि आपको ऑक्सीजन वगैरह ऐसी कोई दिक्कत आएगी, आप इजली यहाँ पर घूम सकते हैं। बस स्पेशली बंदरों से सावधान रहें, यहाँ के बंदर बहुत ही खतरनाक हैं। और खाने पीने का सामान बैग में ना ही रखें, क्योंकि इनको महक लग जाती है और ये उठा के रफू चक्कर हो जाते हैं। अब हमारे महादेव जी का ये मंदिर है, आप देख रहे हो कि महादेव मेला समिति मेला जैसी, यहाँ पे क्या चीज़ है मेला जैसी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर नागपंचमी का मेला लगता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। इतनी जो आपको ये खाली दिख रही है ना, उस टाइम नहीं होगी, उस टाइम यहाँ भीड़ ही भीड़ होगी, शायद लाइन लगी हो तो ऐसा कुछ सीन होता है, पर फिलहाल बिल्कुल सुनसान है। तो अगर आप क्राउड से बचना चाहते हैं तो नागपंचमी के पहले आ जाए, हफ्ते 10 दिन पहले, आपको अच्छा यहाँ पर खाली मिलेगा। बड़ा महादेव टेम्पल तक जाने के रास्ते बहुत प्यारे हैं और बारिश के समय ये और भी खूबसूरत हो जाते हैं। तो भाई लगभग 2 मिनट चलने के बाद आप इस तरफ पहुंचते हैं, ये गुफा है, गुफा भी आगे चलते हैं देखते हैं। उससे पहले इधर कुछ खास देखने को मिलेगा। आप इमेजिन कर सकते हो कितना खूबसूरत है। आप बी फॉल्स वगैरह गए होंगे, आपको मैंने दिखाया, लेकिन ये जो प्लेस है ये अल्टीमेट है, ये आपको उससे कहीं ज़्यादा पसंद आएगी। और ये आप देखो, झरने ही झरने जगह जगह से गिर रहे हैं पानी, बहुत प्यारा मोमेंट आपका क्रिएट होगा, मज़ा आ जाएगा आपको। और स्पिरिचुअल प्लेस ये है, और स्पिरिचुअल प्लेस जैसा कि होती है ना नेचुरल प्लेस पर, तो ये वहीं पर है। और यहाँ पर बिल्कुल आप अध्यात्म में ज़रूर खो जाएंगे, जस्ट थोड़ी देर शांति से प्रकृति की वादियों को निहार ले। महादेव के केव में हमारे महादेव यहाँ विराजमान हैं, और आपको यहाँ पर पानी की बूंदें टपकती हुई हर जगह दिखाई देंगी। बरसात में आते हो तो आपको ये ज़्यादा दिखेगा, बट बाकी टाइम में थोड़ा सा शायद इस तरह का ना दिखे, और इसीलिए ये बरसात का जो टाइम है उसको बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे आप देखो केव कितनी सुंदर सी, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, बस ज़रा सा आप आधा 30 सेकंड चलोगे और यहाँ आपको महादेव के दर्शन हो जाएंगे। आज भस्मासुर का नाम आपने सुना होगा, भस्मासुर ने शिव जी की तपस्या की थी और शिव जी से वरदान मांगा था, तो शिव जी ने वरदान दिया कि भाई आप जिस पर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर को भाई अपनी शक्ति का बहुत ही घमंड हुआ और उसने शिव जी के ऊपर ही अपना हाथ रखने के लिए उनको दौड़ा लिया। अब शिव जी उसके बाद आए और छिप के यहाँ पे इस केव में बैठ गए। फिर विष्णु जी आए और विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर के साथ नृत्य करके और अपने जाल में फंसा के उसके ही सर पे हाथ रखवा के भस्म कर दिया। तो भस्मासुर का अंत इस तरह से हो गया। और ये तो इस तरह से ये वही गुफा है जहाँ पे महादेव ने शरण ली थी खुद को बचाने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पर इसके साथ ही इंटरेस्टिंग प्लेस भी है ये। पचमढ़ी में खाने पीने के लिए यहाँ की मेन मार्केट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जहाँ स्ट्रीट फूड भी है और कुछ रेस्टोरेंट भी, और यहाँ होटल्स के लिए भी आप यहाँ की मार्केट ही प्रेफर करें। बड़ा महादेव दर्शन करने के बाद आप यहाँ से गुप्त महादेव टेंपल के दर्शन। हर हर महादेव, हर महादेव। ओके, तो अब जा रहे हैं गुप्त महादेव के लिए। यहाँ पर एक बोर्ड है, वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये रास्ता जाता है चौरा गढ़ के लिए भी, गुप्त महादेव के लिए भी। 3.4 किलोमीटर, 0.2 यानी 200 मीटर केवल गुप्त महादेव है। तो गुप्त महादेव जी के लिए जा रहे हैं। बारिश क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही है, चौरागढ़ तो जा नहीं पाएंगे, पर आप ज़रूर जाना। मैं आपको थोड़ी क्लिप दिखा देता हूँ जो मैं पिछली बार आया था, और वाकई में आना चाहिए आपको, ज़बरदस्त प्लेस है चौरागढ़ भी। और फिलहाल तो चलते हैं गुप्त महादेव के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। चौड़ेश्वर महादेव मंदिर की चढ़ाई करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर आपको खड़ी चढ़ाई मिल सकती है। इस 3 किलोमीटर की ट्रैक को करने में आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं, जिसमें
काफी व्यूज मिलते हैं। और जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं आपको ढेरों त्रिशूल दिखाई देते हैं, क्योंकि यहां त्रिशूल चढ़ाने की मान्यता है। कुल मिलाकर इस ट्रैक में आने जाने में पूरा दिन भी लग सकता है, लेकिन ये आपको काफी पसंद भी आएगा। लेकिन गर्मी में यहाँ आपको थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है। भीगते हुए आ गए हैं गुप्त महादेव पर। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो केव के ऊपर जो हरी हरी काई जमी हुई है ये बहुत अट्रैक्ट करेगी। ये तो यहाँ पे आप देख लो 8 आदमी ही अंदर जाएं, ज़्यादा नहीं जाने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और डोंट वरी, मैंने परमिशन ले रखी है, इस हिसाब से ही शूट कर रहा हूँ। अति नैरो ये गुफा भी है। गुप्तेश्वर महादेव की गुफा बहुत ही पतली सी है। पचमढ़ी में आप एडवेंचर एक्टिविटीज जैसे पैरासेलिंग, बोटिंग, हॉर्स राइडिंग और एटीवी राइड के अलावा भी कई एक्टिविटीज कर सकते हैं। पचमढ़ी में आप नाइट में भी सफारी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एनिमल्स दिखेंगे या नहीं ये आपकी किस्मत पर ही डिपेंड करता है। पचमढ़ी की मार्केट से केवल 2 किलोमीटर दूर ही जटाशंकर टेंपल भी पड़ता है, और यहाँ भी आपको केव्स देखने को मिलती है, जहाँ केव्स के अंदर पानी के अंदर चलते हुए आपको शिवलिंग के दर्शन होते हैं। इस प्लेस पर आपको 1 से 1.5 घंटे तक लग सकते हैं। पचमढ़ी में वैसे तो देखने को काफी कुछ है, लेकिन यहाँ के ट्रिप के लिए 3 दिन काफी है। वहीं यहाँ पर आपको नेटवर्क इशू फेस करना पड़ सकता है। वहीं अगर आप जंगल के एरिया में जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। पचमढ़ी में घूमने के लिए कई सारी प्लेसेस हैं, और यहाँ पर मैं बहुत सारी प्लेसेस तो नहीं कर पाया। रीज़न उसका साफ है, क्योंकि समय कम था, यहाँ पर मेरे पास 1.5 दिन थे। 1.5 दिन में चाहता तो मैं कवर कर सकता था, लेकिन बारिश की वजह से और ग्रुप भी साथ में था, इस वजह से कवर नहीं हो पाया। आइटनरी आपकी कुछ इस प्रकार से हो सकती है। पहले दिन आप जा सकते हैं यहाँ के जो परमिट जिसके लिए लेनी पड़ती है, धूपगढ़ की ट्रिप के लिए रीचगढ़ जा सकते हो, और इसके अलावा एक पड़ता है जो आपका बी फॉल्स, अप्सरा फॉल, ये सारी प्लेसेस, सिल्वर वाटरफॉल है, ये सारे वाटरफॉल्स वगैरह कवर आप कर सकते हो फर्स्ट डे। इसके बाद जो सेकंड डे की बात आती है, तो सेकंड डे में आप पहले दिन के लिए आपको परमिट चाहिए होगा, और आते ही आप परमिट वाला काम करवा लो। फिर उसके बाद सेकंड डे में आप जाओ चौरागढ़ के लिए, चौरागढ़ की ट्रैक करो, ट्रैक के लिए ऊपर जाओ, बढ़िया आराम से पूरा दिन आप लो आराम से। वहीं पे नीचे आप आओगे तो गुप्त महादेव और जो आपका बड़ा महादेव टेंपल है, ये दोनों ही टेंपल आप कवर करोगे। फिर उसके बाद आता है तीसरा दिन, तो तीसरे दिन आप पांडव केव्स वगैरह कवर कर सकते हो। अगर आपने चौरागढ़ वाले दूसरे दिन में कवर नहीं कर पाए हैं गुप्त महादेव या फिर बड़ा महादेव, क्योंकि ऑन द वे है तो आप कवर कर ही लोगे, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, तो तीसरे दिन आप कर सकते हो। पांडव केव कर सकते हो, जटाशंकर आप जा सकते हो, ये प्लेसेस आप कवर कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी आइटनरी बन जाएगी। और भी तो प्लेसेस आसपास में है सराउंडिंग, बट ये मेन प्लेसेस आपकी यहाँ पर है। खूबसूरत बहुत है, आपके सामने है जो भी है, लेकिन ये खूबसूरती हमेशा नहीं रहती है। खूबसूरती ये इसलिए नहीं रहती है क्योंकि बरसात में यहाँ पे बढ़िया ऐसा फॉगी फॉगी सा हो जाता है, और रेनकोट वगैरह तो साथ में रखे ही रहें और अम्ब्रेला रखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप बारिश से बचे रहते हैं और समय भी आपका बचता है, क्योंकि कई बार हल्की बारिश में भी निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। परमिट वर्मिट जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बहुत ईजी है बनवाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी आईडी वगैरह साथ में रखें, और कैमरा वैमरा सब जगह अलाउ रहता है, तो कोई इसका भी इशू नहीं है। सेफ प्लेस है, कोई ऐसे ही बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड या ये वाली दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। आराम से आएँ, बस जो नागपंचमी वाली मैंने बात बताई है कि उस टाइम क्राउड होता है, तो क्राउड अवॉइड करना चाहते हैं तो उस टाइम ना आएँ, नागपंचमी के 1 हफ्ते पहले या 2-4 दिन बाद तक। तो ये पूरा आप ध्यान रखें, उस टाइम होटल भी महंगे होते हैं। अब प्राइस की बात करें, खर्चा वर्चा क्या आपका यहाँ पे लग सकता है, तो 3 दिन में अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके लिए 3 नाइट तो आपको होटल चाहिए होगा, और होटल अगर आप लेते हैं तो लगभग यहाँ पे एवरेज प्राइस, वैसे अभी पीछे यहाँ पे लगा था 600 रुपये, लेकिन हर समय इस टाइम ये बरसात का सीज़न होता है, तो सीज़न में ही आप आओगे तो यहाँ का मज़ा है। और सीज़न का रेट आपको बता दूँ, कम से कम 1500 रुपये मिनिमम आपका लग जाना है। अब 1500 रुपये लेके चल रहे हैं तो आप ऐसे समझ लो एक पर्सन पे लगभग 2250 रुपये का खर्चा आएगा। क्यों आएगा भाई, 2 लोग एक रूम में रहोगे ना, तो 2250 रुपये 3 दिन का आपका खर्चा आएगा, 3 दिन का 2 लोग का 4500 आएगा। फिर उसके बाद आपका मील्स का खर्चा होता है, मील्स में आपका अराउंड लग सकता है
पर डे आप 500 रुपये मान लो, तो 1500 रुपये वो हो गया 2250 प्लस 1500, और इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन पे आपका मेजर खर्चा हो जाएगा यहाँ पर। आप ग्रुप के साथ आओ तो आपका ऐसे समझ लो, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इसमें काफ़ी मतलब वेरिएबल हो सकता है ये चीज़ आपका। अगर ग्रुप में आप आते हो और 2-3 लोग अगर मान के चलो, कम से कम आपका 3000 रुपये खर्चा आ जाएगा, 2-3000 रुपये एक पर्सन पे खर्चा आ जाएगा। तो इस तरह से अगर करेंगे कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो अराउंड आपका 2250 वो हुआ, 1500 वो हुआ, मतलब 3750 प्लस 3000 आप और जोड़ दो, मतलब 6750 एक पर्सन पे खर्चा आप मान के चलो इतना आ जाएगा। पर इतने में आप घूम लोगे यहाँ पर और मज़ा भी बहुत आएगा। पर सीज़न का खास ध्यान रखें, सीज़न में आए, सीज़न में असली मज़ा यहाँ का मिलता है। बाकी टाइम में, हाँ इस टाइम में कभी कभी गर्मी भी रहती है, जैसे एक दिन मुझे गर्मी भी वाला फील भी आया। सो ओवरऑल इतनी खूबसूरत प्लेस है, मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, हर हर महादेव।